कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार राजस्थान पहुंचे, जहां भीलवाड़ा में आयोजित किसान सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने हमेशा आमजन के हित में काम किया है। अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में कुछ नहीं मिला, बीजेपी केवल इसे दिखाकर डराने का काम करती है। अरे राजस्थान में आजादी आने के बाद भू सुधारना, लैंड रिफॉर्म्स किसने लाया बोलिए। जो काश्तकार थे, जो टेनेंट थे, उनको मालिक किसने बनाया? ये तो कांग्रेस ने बनाया, ये तो कांग्रेस ने बनाया। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। लोगों को मजबूत करने के लिए हमारे हर काम है। आप लोगों के पास कोई हिम्मत नहीं है काम करने का। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसद के विशेष सत्र को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। पार्लियामेंट सेशन बुला लिया, अभी तक पता नहीं क्यों बुलाया गया है, गुप्त रखा गया है। कोई कहता वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, पर लोकतंत्र में क्या आप विपक्ष को, देशवासियों को बताओगे नहीं कि पार्लियामेंट का अधिवेशन क्यों बुलाया गया है? आप सोच सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशियल पर दबाव है, ये हालात देश के बन चुके हैं। उधर दूसरी तरफ श्रीगंगानगर के संगरिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। ये जादूगर की सरकार है। जादूगर कहता है मेरी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे कुछ मुझे चिपकी भी है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं सकता। मैं आज कहता हूँ दिलाव समर जी के बुलाए में इन लोगों के बीच में कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, अब आपकी जनता कुर्सी तोड़ेगी। में आ गया राजेंद्र राठौर ने कहा कि इस सरकार में करप्शन करने वाले लोगों की नाक से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बाहर निकलेगा। आगामी चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार की कुर्सी को जनता अपने वोट की चोट से तोड़ेगी। बता दें कि इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं।